हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या समानता है और इसमें क्या प्रमुखता अंतर पाया जाता है, दोनों में अंतर है कि नहीं है और है तो क्या है। इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस वीडियो फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां पर अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर होता है। इसके पहले आपको राजनीतिक दल बताया गया, फिर दबाव समूह पढ़ाया गया। दोनों को आपने पढ़ लिया है, एक बार उसको दबाव समूह और राजनीतिक दलों की परिभाषा को फिर से रिवीजन कर देते हैं। इसके बाद आपको उसके जो कुछ बेसिक समानता है दोनों संगठनों में उसको बता देते हैं। इसके बाद हम लोग मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि वास्तव में दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर होता है। देखिए, राजनीतिक दल किसे कहते हैं एक बार रिवीजन कर लीजिए। राजनीतिक दल जो है वो व्यक्तियों का एक ऐसा औपचारिक संगठन होता है जिसके सदस्य एक समान सिद्धांतों पर सहमत होते हैं और जिनका प्रमुख उद्देश्य जो है चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना होता है। आपको बताया गया था कि राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल जो है व्यक्तियों का एक संगठन होता है। किन व्यक्तियों का संगठन होता है? तो वो ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जो एक समान सिद्धांत पर सहमत होते हैं। हर राजनीतिक दल का अपना एक समान नीतियाँ होती हैं, अपना कार्यक्रम होते हैं, उनके अपने सिद्धांत होते हैं और हम जिस राजनीतिक दल के सिद्धांतों को, उसकी नीतियों को पसंद करते हैं उसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी राजनीतिक दल के साथ जो व्यक्ति जुड़े होते हैं वो उसकी नीतियों पर सहमत होते हैं तभी उसके साथ जुड़ते हैं। वही बात यहाँ लिखा गया है कि राजनीतिक दल जो है व्यक्तियों का एक ऐसा औपचारिक संगठन होता है जिसके सदस्य एक समान सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। औपचारिक संगठन देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक संगठन और दूसरा होता है अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन फ्रेंड्स वे संगठन होते हैं जो कि जानबूझकर के निश्चित नियम और सिद्धांतों के आधार पर बनाए जाते हैं, और अनौपचारिक संगठन वे संगठन होते हैं जो कि स्वतः जिसका निर्माण जाता है। तो राजनीतिक दलों का निर्माण जो है जानबूझ करके एक नियम के तहत जो किया जाता है इसलिए ये औपचारिक संगठन होते हैं। तो राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल जो है व्यक्तियों का एक औपचारिक संगठन है। कैसे व्यक्तियों का? ऐसे व्यक्तियों का जिसके सदस्य जो है एक समान सिद्धांतों पर सहमत होते हैं, यानी संगठन का जो है एक समान सिद्धांत होता है और जिसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, यानी संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना। संवैधानिक तरीके का मतलब है कि चुनाव, भारत में जो है संवैधानिक तरीका कौन सा है सत्ता प्राप्त करने का? तो चुनाव के माध्यम से। तो ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़कर के सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। हर राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य जो है वो सत्ता प्राप्त करना होता है। और दबाव समूह, देखिए दबाव समूह क्या होते हैं? तो लिखा है कि दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का एक औपचारिक संगठन है जिसके सदस्य समान हित या उद्देश्यों के आधार पर संगठित होते हैं। ये अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालकर नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह भी व्यक्तियों का एक औपचारिक संगठन है। यह भी एक संगठन है। किसका संगठन है? व्यक्तियों का। कैसे व्यक्तियों का? ऐसे व्यक्तियों का जिनके सदस्य जो है ऐसे व्यक्ति का जो समान हित के या समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होते हैं, यानी जो भी दबाव समूह बना होता है, जैसे मान लीजिए कि किसानों का कोई संगठन है तो वो किसानों के हितों की बात करेगा, तो उसमें कौन जुड़ेगा? उसमें किसान जुड़ेंगे जिसका हित जो है उस संगठन से जुड़ा होगा। तो उसमें जितने किसान हैं भाई, उसमें अध्यापक थोड़ी जुड़ेगा, क्योंकि अध्यापक का हित वो उसमें है ही नहीं किसान संगठन में। उस संगठन में जो है किसानों के हितों की बात हो रही है तो उसमें किसान जुड़ेंगे। तो उस अध्यापकों का संगठन रहेगा तो उसमें अध्यापक जुड़ेगा, कर्मचारियों का संगठन है तो कर्मचारी जुड़ेगा। तो उसके सदस्य कैसे लोग होते हैं? जिसके एक समान हित होते हैं, जिनके एक समान उद्देश्य होते हैं। किसानों का उद्देश्य एक समान है, उनका हित एक समान है कि हमको बिजली सस्ती मिले, हमको खाद सस्ता मिले, हमारे कर्ज माफ हो, तो सबका उद्देश्य समान है, इसलिए सब लोग मिलकर के एक संगठन बनाते हैं। ठीक है, तो वही बात यहां लिखा गया है कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का एक औपचारिक संगठन है। यह भी औपचारिक संगठन है
जिसके सदस्य समान हित या समान उद्देश्य के आधार पर संगठित होते हैं। इनका संगठन होने का, संगठित होने का आधार क्या है? वो है समान उद्देश्य। सारे अध्यापकों ने मिलकर संगठन बनाया है तो उसका उद्देश्य ये है कि अध्यापकों के हितों की रक्षा की जाए। मजदूरों ने संगठन बनाया है तो उसका उद्देश्य ये है कि मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए। तो इनका उद्देश्य एक समान होता है। अगर उद्देश्य समान ना हो तो ये संगठित ही ना हो, ठीक है। और ये करते क्या हैं, ये संगठन जो है, दबाव समूह जो है, अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालकर नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह इनका नाम ही है। दबाव समूह इसलिए नाम है क्योंकि ये सरकार पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। अब प्रेशर किस लिए डालते हैं कि सरकार जो है अपनी नीतियाँ जो है उनके हित में बनाए। यानी किसान सरकार के ऊपर दबाव डालेगा कि हमको जो है इस तरह से नीति बनाइए कि सर बिजली जो है वो आधी हो जाए, खाद पर ज़्यादा सब्सिडी मिले, सिंचाई माफ़ हो जाए, किसानों के कर्ज जो है माफ़ हो जाए। इसी तरह कर्मचारी डालेंगे, इन दबाव डालेंगे कि हमारा जो है महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए। तो इस तरह से सबकी अपनी डिमांड होती है। तो हर दबाव समूह क्या करता है, वो सरकार के ऊपर दबाव डाल करके सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करता है। प्रभावित करने का मतलब है कि उनके ऊपर दबाव डाल करके अपने सदस्यों के, यानी जिसके लिए संगठन बना है उसके हितों के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालता है कि ऐसी नीति बनाइए कि हमारे संगठन के लोगों का फायदा हो, ठीक है। तो ये दबाव समूह करते हैं, ठीक। अब देखिए, दोनों को परिभाषा देखने के बाद इसमें कुछ कॉमन चीज़ें निकल आती हैं। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अब दोनों में पाए जाने का मतलब है कि दोनों में यही समानता है। औपचार मतलब राजनीतिक दल और दबाव समूह में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। वो समानताएं कौन कौन सी हैं? पहला है कि व्यक्तियों का एक औपचारिक संगठन होता है। दबाव समूह हो चाहे राजनीतिक दल, दोनों व्यक्तियों के संगठन होते हैं, दोनों औपचारिक संगठन होते हैं। दोनों का निश्चित नियम उद्देश्यों के तहत जानबूझ कर दोनों को बनाया जाता है, ठीक है। इसकी दोनों की सदस्यता जो है ऐच्छिक होती है, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे दबाव समूह, दोनों की सदस्यता अच्छी होती है। व्यक्ति जब तक चाहे उसका उस संगठन का सदस्य रहे और जब चाहे उस संगठन से बाहर निकल जाए, तो दोनों की सदस्यता अच्छी होती है, ठीक है। और सदस्य संगठन के सामान्य सिद्धांतों पर सहमत, और जो दोनों के सदस्य होते हैं वो उसके संगठन के जो सिद्धांत होते हैं उस पर सहमत होते हैं। राजनीतिक दलों के साथ जो जुड़े होते हैं वो भी उसकी नीतियों को पसंद करते हैं, उसकी नीतियों से सहमत होते हैं, उसके सिद्धांतों से सहमत होते हैं, तभी उसके साथ जुड़ते हैं। और दबाव समूह के साथ जो लोग जुड़ते हैं वो उसकी नीतियों, उसके उद्देश्यों से सहमत होते हैं, तब जुड़ते हैं। जो हम बीजेपी को अगर लाइक करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी नीतियों को हम पसंद करते हैं। हम अध्यापक संगठन, शिक्षा संगठन में जुड़े हैं, इसका मतलब हम शिक्षा संगठन के जो नीतियाँ हैं, उसके कार्यक्रम हैं, उसको हम पसंद करते हैं, तभी हम उसको जुड़े हैं। जान रहे हैं कि हमारा हित जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तभी हम उससे जुड़ेंगे। तो इस तरह से राजनीतिक दल और दबाव समूह में समानता ये होती है कि दोनों व्यक्तियों के एक औपचारिक संगठन होते हैं, दोनों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, और दोनों के सदस्य जो है संगठन के सामान्य सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। इतनी समानता के बावजूद भी फ्रेंड्स, राजनीतिक दल और दबाव समूह में बहुत अंतर है। इसमें क्या अंतर है, इसी को हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है दबाव समूह और राजनीतिक दलों में कुछ प्रमुख अंतर। दबाव समूह और राजनीतिक दल जो है दोनों एक अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर होता है, ये समानता तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप बता रहे हैं दोनों में क्या प्रमुख अंतर होते हैं। इधर दबाव समूह लिखा है, इधर राजनीतिक दल लिखा है, ठीक है। तो हम इधर से ही देखते हैं, राजनीतिक दल से ही पहले देखते हैं, इसके बाद दबाव समूह को देखते हैं, ठीक है। देखिए, राजनीतिक दल जो है वो आकार और उद्देश्य दोनों में बड़े होते हैं, जबकि दबाव समूह का आकार और उद्देश्य सीमित होता है। राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, सत्ता प्राप्त करना, तो उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा ये जन कल्याण की भी कार्य करते हैं, ठीक है। जबकि दबाव समूह का जिस उद्देश्य होता है ये अपने सदस्यों के केवल हितों की पूर्ति करना, यानी इनका उद्देश्य बहुत सीमित है। केवल अपने सदस्यों के हितों का हमको देखना है, उनके हितों की लड़ाई लड़नी है। लेकिन राजनीतिक दलों का उद्देश्य जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। वो सत्ता प्राप्त करके पूरे देश को चलाने का प्रयास करते हैं, पूरे देश की जन सामान्य के हितों की पूर्ति की बात करते हैं, किसी एक वर्ग विशेष की हितों की बात नहीं करते हैं, ठीक है। और राजनीतिक दल भी आकार में बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं, इनकी संख्या बहुत होती है, जबकि दबाव समूह की आकार जो है उतना बड़ा नहीं होता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि राजनीतिक दल आकार और उद्देश्य दोनों में जो है वो दबाव समूह से बड़े होते हैं, यानी दबाव समूह का आकार और उद्देश्य छोटा होता है, जबकि राजनीतिक दलों का आकार और उद्देश्य बड़ा होता है। दूसरा है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना,
ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर के सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और जब सत्ता मिल जाएगी तो उस अपनी नीतियों के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन दबाव समूह कभी भी सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, ये चुनाव कभी नहीं लड़ते हैं। इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, इनका उद्देश्य होता है सिर्फ अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करना। शिक्षक का संगठन है तो वो शिक्षकों के हितों की बात करेगा, उसके हितों की पूर्ति करेगा, चाहे सरकार किसी की हो, वो उसके ऊपर दबाव डाल करके शिक्षकों के हितों के लिए कानून बनवाने का प्रयास करेगा। उसी तरह मजदूर संगठन करेगा, उसी तरह किसान संगठन करेगा। तो जितने भी दबाव समूह हैं उनका उद्देश्य होता है केवल अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करना, ये सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये बहुत प्रमुख अंतर है और ये आपको आने वाले कंपटीशन जितने भी मिलते हैं उसमें से ये बहुत ही पूछता है कि दबाव समूह का मुख्य कार्य क्या होता है, दबाव समूह जो राजनीतिक दलों में क्या प्रमुख अंतर है। तो प्रमुख अंतर यही होता है कि कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, जबकि राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं, उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय में कई दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। अब राजनीतिक दल का सदस्य आप एक समय में, जैसे आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो अब अगर आपको बीजेपी की सदस्यता लेनी है तो समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। यानी एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, लेकिन दबाव समूह में ऐसा फाउंडेशन नहीं है, आप एक समय कई दबाव समूहों का सदस्य बन सकते हैं। जैसे आप किसान हैं तो किसान के, आप मान लीजिए खेती है आपके पास, किसान ही आप करते हैं तो आप किसान संगठन से भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप व्यापार भी करते हैं तो आप व्यापारी संगठन से भी जुड़े हुए हैं। आप जात के छत्री हैं तो छत्री संगठन से भी जुड़े हुए हैं, हिंदू हैं तो हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये कि एक व्यक्ति एक समय में कई दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है, जबकि राजनीतिक दलों के साथ ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। ठीक है, अगला है राजनीतिक दल जन कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हितों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मैंने अभी बताया कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है, ये व्यापक उद्देश्य होता है, ये केवल एक वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं करते हैं, और ना वर्ग विशेष के लिए कार्य करके कोई राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर सकता है। कोई राजनीतिक दल ये सोचे कि मैं एक जाति के कल्याण करूं, एक जाति के हित की लड़ाई लड़ूं और एक जाति के वोट से ही सत्ता प्राप्त कर लूं, तो ऐसा जो है भारत जैसे देश में संभव नहीं है। ऐसे देश में जहां पर कि एक समूह की आबादी इतनी ज़्यादा हो कि वह किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता दे सकती है, वहाँ तो संभव हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में तो बहुआयाम, यहाँ तो बहुत संस्कृत के लोग हैं, अनेकता में एकता है, यहाँ तो विभिन्न भाषा धर्म जात संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ये सोचे कि एक जाति का या एक वर्ग के कल्याण की बात करके मैं सत्ता प्राप्त कर लूँ, तो ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए राजनीतिक दलों का उद्देश्य व्यापक होता है, ये सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जब ये जीत करके सत्ता में जाते हैं तो ये केवल जिन्होंने इनको वोट दिया है उन्हीं के हितों के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया है उनको भी साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से ये जन कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन दबाव समूह जो है ऐसा नहीं करते। इनका उद्देश्य सिर्फ अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करना है। श्रमिकों का संगठन है तो वो श्रमिकों के हितों की ही बात करेगा, सरकार के सामने श्रमिकों के हितों के लिए कानून बनाने के लिए दबाव बनाएगा, वो शिक्षकों के हितों की बात नहीं उठाएगा, वह किसानों की बात नहीं उठाएगा। तो इस तरह से जो दबाव समूह होते हैं वो केवल अपने सदस्यों के हितों के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, जबकि राजनीतिक दल जो है वो जनकल्याण हित प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, अगला है कि राजनीतिक दल लक्ष्य प्राप्ति हेतु केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए सभी तरह के साधन, संवैधानिक गैर संवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करने से नहीं हिचकते हैं। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना, और इनका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संवैधानिक साधन का प्रयोग करते हैं। संवैधानिक साधन का मतलब मैंने बताया कि जो संविधान में लिखा गया है कि सत्ता हमको कैसे मिलेगी, तो सत्ता मिलने के लिए ये लिखा गया है कि चुनाव होगा, चुनाव में आप भाग लीजिए, अगर आपकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो आप सरकार बनाइए, अपने हिसाब से देश को चलाइए। तो ये संवैधानिक साधनों के माध्यम से, संवैधानिक मतलब चुनाव लड़कर ही सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दबाव समूह जो है वो असंवैधानिक और संवैधानिक दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं। देखिए,
दबाव डालने का सरकार के ऊपर संवैधानिक तरीका क्या है? सरकार के ऊपर दबाव डालने का संवैधानिक तरीका है कि आप हड़ताल कीजिए। हड़ताल करना कोई बुराई नहीं है, ये आपका अधिकार है, आप हड़ताल कीजिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक। तो ये संवैधानिक तरीका है सरकार के ऊपर दबाव डालने का। लेकिन असंवैधानिक तरीका क्या है? बस को फूंक दीजिए, कार दंगा करवा दीजिए। तो ये जो है असंवैधानिक तरीका होता है। तो लेकिन दबाव समूह जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये असंवैधानिक साधनों को भी अपनाने से नहीं चकते हैं। तो ये दोनों तरह के साधन को अपना लेते हैं। दबाव समूह जो है वो संवैधानिक और असंवैधानिक, यानी सभी तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए, जबकि राजनीतिक दल केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए। ठीक है, अगला है कि राजनीतिक दल जो है सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, जबकि दबाव समूह जो है वो पृष्ठभूमि में रहकर काम करते हैं। राजनीतिक दल, मैंने कहा कि नाम ही है राजनीतिक दल, वो राजनीति करते हैं, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, चुनाव लड़ेंगे, सत्ता प्राप्त करेंगे, सत्ता नहीं मिली सरकार के विपक्ष, सरकार जो बनी है उसके विपक्ष में रह करके विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, हमेशा राजनीति करेंगे। लेकिन दबाव समूह जो है राजनीति नहीं करते हैं, ये पृष्ठभूमि में रहकर कार्य करते हैं, ये कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन इनको लगता है कि जो पार्टी जो है हमारे हितों की पूर्ति करेगी, जिस पार्टी को सत्ता मिलने के बाद लगता है इनको कि वो हमारे हित में कानून बनाएगी, उसको पीछे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए फंडिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं, उसके लिए चुनाव, मतलब एक तरह से उसको चुनाव में जितवाने के लिए अपने सदस्यों को कह भी सकते हैं। तो ये जो है पृष्ठभूमि में रहकर, यानी कि ये किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, किंग बनने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। तो दबाव समूह जो है पृष्ठभूमि में रहकर कार्य करते हैं, सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, जबकि राजनीतिक दल सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं। ठीक है, और अंतिम है कि राजनीतिक दलों में विचारधारा का बहुत महत्व होता है, इसमें एक ही विचारधारा के लोग होते हैं, जबकि दबाव समूह में विभिन्न विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं। राजनीतिक दल का गठन जो है किसी न किसी विचारधारा को लेकर होती है, ये साम्यवादी पार्टी है, इसकी विचारधारा समाजवादी है, तो हर पार्टी की कोई पूंजीवादी विचारधारा की पार्टी है, कोई हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी है, तो इस तरह से हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, और उसमें वही व्यक्ति जुड़ता है जो उस विचारधारा को स्वीकार करता है, जो उस विचारधारा में विश्वास करता है। तो राजनीतिक दलों में विचारधारा का महत्व होता है, इसमें एक ही विचारधारा के लोग होते हैं। अब समाजवादी पार्टी में कोई पूंजीवादी का समर्थक जो है उसका सदस्य नहीं बनेगा, क्यों बनेगा भाई? वो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों अलग विचारधाराएं हैं, तो पूंजीवादी पार्टी की अगर कोई सपोर्टर है तो पूंजीवाद का ही, जो पूंजीवाद का कोई समर्थक अगर व्यक्ति है तो वो पूंजीवादी पार्टी का ही का सपोर्टर बनेगा, उसी का सदस्य बनेगा, वो समाजवादी क्यों बनेगा? क्योंकि समाजवादी विचारधारा उसकी विचारधारा व्यक्ति की विचारधारा से मेल ही नहीं खाते हैं, व्यक्ति तो पूंजीवादी है। अगर कोई व्यक्ति समाजवादी विचारधारा का है तो पूंजीवादी पार्टी का सदस्य नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी विचारधारा उससे मिलती ही नहीं। तो राजनीतिक दल में केवल एक ही विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन दबाव समूह में ऐसा नहीं है। दबाव समूह में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। दबाव समूह कोई एक वर्ग है, किसान कोई जाति नहीं, किसान एक वर्ग है। किसान में ब्राह्मण भी हो सकता है, किसान में क्षत्रिय भी हो सकता है, किसान में यादव हो सकता है, किसान में बनिया भी हो सकता है, कोई भी किसान हो सकता है। तो ये किसानों का समूह है। अब जब किसानों का समूह है तो अब जरूरी नहीं कि उसमें जितने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका विचारधारा एक ही हो, सब समाजवादी पार्टी को ही समर्थन करते हों, सब पूंजीवाद को ही समर्थन करते हों, ऐसा नहीं है। यहाँ विचारधाराओं में विभिन्नता होती है, क्योंकि यहाँ विभिन्न तरह के लोग होते हैं, ये केवल अपने हित की पूर्ति के लिए उस संगठन में जुड़े हुए हैं। ये किसान हैं और इनको लगता है कि किसानों की मांग को किसान का यह संगठन जो है अच्छे से उठाएगा, इसलिए उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी विचारधारा अन्य व्यक्तियों की विचारधारा से अलग हो सकती है और होती है। इसी तरह टीचर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, टीचर हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, जातियों में देखिए दलित भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो आप जो भी टीचर बन गया वो संगठन किस संगठन के साथ जुड़ गया? वो शिक्षक संघ के साथ जुड़ गया। तो वो अपने हितों के लिए शिक्षक संघ के साथ जुड़ा है, लेकिन उसकी विचारधारा सारे टीचरों की एक हो ऐसा संभव नहीं है, वो विभिन्न विचारधारा के होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दबाव समूह में विभिन्न विचारधाराओं के मानने वाले लोग हो सकते हैं, जबकि राजनीतिक दलों में केवल एक ही विचारधारा के लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे राजनीतिक दल और दबाव समूह में कुछ प्रमुख अंतर।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में जो आपको समझाने का प्रयास किया गया कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या समानता है और क्या असमानता, इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे और आपके इस कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, उनको चैनल के बारे में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।